एनटीवी टाइम, जनता की बात जनता के साथ। राजधानी दिल्ली के भलसवा डेरी थाना इलाके में 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को दिया अंजाम। घर के बाहर से ही बच्ची को अगवा कर रेप की वारदात को दिया अंजाम। सिम्बा के वक्त बड़ा झील के पास गंभीर हालत में मिली मासूम नजदीकी बाबू जगजीवन राम अस्पताल ले जाया गया, जहां हालत सीरियस होती देख डॉक्टरों ने अम्बेडकर अस्पताल में रेफर किया। अभी तक पुलिस को आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिला है। वही सुराग भलसवा डेहरी थाना पुलिस मामले में जुटी है। देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर से शर्मसार है, जहां मासूम बच्ची को हवस का शिकार बना दिया गया है। जी हां, रात 11 बजे पुलिस को इस बात की सूचना दी गई। उस समय तक बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला था। करीब 8 बजे परिवार के पास फोन आया कि बच्ची भलसवा झील के पास पाई गई है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। क्या नाम है आपका? समा जी, क्या है पूरा मामला बताइए। पूरा मामला क्या, हम रहते हैं भाई दूर, मगर लड़की मेरी नीचे खेल रही थी, ठीक है, नीचे जीने ही पैसे उठाया और खुद लड़की बता रही कि का नाम कोई मुझे गाड़ी से लेके गया पुलिस वाली से। अब वो कोई भी गाड़ी देखती है तो पुलिस वाली ही बताती है। हाँ, और रात भर हम लोगों ने सारी ने जितने मेरे रिश्तेदार रहते सबने ढूंढा, पूरी रात कोई सोया नहीं है, समझ लो। पुलिस का क्या कार्रवाई रहा अभी? पुलिस के पास हम लोग गए, एक बार गए, दो बार गए, तीन बार गए, नई सुनवाई हुई। फिर हमारे आदमी ने किसी के पास फोन करा, जानकारी ली, जब थोड़ी सी सुनवाई हुई तब वो घर पे गए देखने। अभी बच्चे के क्या हालात है? हालात बहुत गलत है, लड़की की सीरियस हालत है। सीरियस हालात है उसके। क्या किसी से कोई लड़ाई झगड़ा? किसी कोई से लड़ाई झगड़ा वाले हम है ही नहीं। किसी पे शक जो आपके बच्चे को? नहीं, शक भी किसी पे नहीं है, हमें शक भी नहीं है किसी पे। आप जब थाने में गए थे कि मेरे बच्चे किडनैप हो गया, तो थाने पे गए थे तो उन्होंने जाके 24 घंटा के बाद हम कुछ करेंगे, अभी नहीं कर सकते। 24 घंटे बाद लिखी जाएगी FIR, सुबह लिखी जाएगी जे कहीं 24 घंटे। फिर हम किसी के जैसे उससे गए जरिए से तब लिखी गई 11 बजे। अच्छा, कम्प्लेन ली? हाँ। अच्छा, अभी बच्चे के हालात गलत हैं, गंभीर है। क्या लग रहा है इसमें, किसकी इन्वॉल्व है, कुछ पता है? कोई आपकी कोई नजदीकी कोई ऐसे बंदे जानकार? हम तो किसी से दुश्मनी लेते ही नहीं है, हम लोग रोज कमाने वाले रोज खाने वाले क्या करेंगे दुश्मनी से, बताओ पहले। बच्चे के क्या उम्र रही होगी? 4 साल। 4 साल कुछ दिन की उम्र है। क्या नाम है सर? आजाद। आजाद जी, क्या है पूरा मामला बताइए। कल रात को हमारे घर से बच्ची शाम को 6:30 बजे के समथिंग किडनैप हुई है। रात को हम लोग गए तो हमारी कोई थाने में भलसवा कंप्लेंट नहीं गई, ली गई। उसके बाद हमने किसी से फोन करवाया, जब हमारी कंप्लेंट ली गई भलसवा थाने में, ठीक है, उसके बाद हम रात को करीब 11 बजे वहां पहुंचे, तब कंप्लेंट लिखी गई। उसके बाद हमें कुछ भी नहीं पता चला कि लड़की कहाँ है कहाँ नहीं है, पूरी रात हम ढूंढते रहे पूरा परिवार, रात से हम सो ही नहीं पाए। फिर सुबह 8 बजे फोन आया हमारे पास थाने से, फिर हम गए तो लड़की हमें वहां मिली सीरियस हालत में। लड़की के साथ शारीरिक संबंध किए गए, लड़की की हालत सीरियस है, और अब जगजीवन से हमें ये पता चला कि इसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीरता में, तो हम न्याय चाहते हैं, लड़की के साथ न्याय हो और लड़की का इलाज हो। सर, ये कौन लोग थे जो किडनैप करने वाले, कुछ पता चल पाया? हमारे को सर कुछ भी नहीं पता इसका। कैमरे वहाँ पर लगे हैं केजरीवाल जी के, वहाँ से भी हमें अभी तक कोई भी संबंध या कोई सूचना नहीं मिली अभी तक। पुलिस प्रशासन आखिर इस मामले को गंभीरता से क्यों नहीं लिया गया, कुछ पता है? ये चीज खुद नहीं समझ में आ रहा कि क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि हमें लगता है कि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, मगर हमारे हिसाब से सरकार कोई भी काम नहीं कर रही। क्या लग रहा है, भलसवा डेयरी थाने में आपने कंप्लेन करने के बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई हुई? हमारे को 1% भी कोई भी कार्रवाई, कोई भी लाभ नहीं मिला, क्योंकि इस टाइम 12 बज रहे हैं दिन के, कल हमारा शाम का 6 बजे का केस है। अच्छा। अब तक हमें कोई भी सोल्यूशन नहीं मिला, ये मिला है कि लड़की हमारी सीरियस हालत में है। आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम न्याय चाहते हैं और अपराधी को पकड़ा जाए, नहीं तो हम धरना देंगे थाने पे।